जिस तरह से बेबुनियाद आरोप उन्होंने किए हैं और उससे भी ज्यादा सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज जैसा जो व्यवहार किया है, अरे भाई इस देश में अगर कोई नरसंहार हुआ है तो नरसंहार सिखों का कांग्रेस ने किया, हजारों सिखों को जिंदा जलाया, इमरजेंसी लाकर संविधान को तोड़ा। मीडिया की आज बात कर रहे हैं, मीडिया की आजादी को खत्म किया कांग्रेस ने, सेंसरशिप लाई कांग्रेस ने, पुलिस जाकर बैठे थे, लेकिन इनको तो पता ही नहीं इतिहास का। अब सावरकर जी पर वार करने शुरू किया पेट्रियटिज्म पर, राजगोपालाचारी सावरकर जी के बारे में क्या कहते थे या कांग्रेस के नेता भी क्या कहते थे वो अगर पढ़ते तो भी इस तरह के घिनौने आरोप ना करते, ये देशभक्तों का अपमान है। आज उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, उस पर भी अटैक किया, हर संस्था पर अटैक किया, और जिस पार्टी ने लाखों करोड़ रुपए का केवल घोटाले का जिनका इतिहास है वो दूसरे पर आरोप लगाए, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आज उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया, लोगों के आस्था का अपमान किया, और प्रधानमंत्री जी पर विपक्षी भी कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, वो जरूरत राहुल जी कर रहे हैं। देश समझता है सच्चाई को और इसलिए ऐसे आरोप स्टिक नहीं करते हैं।